कैसे कैसे लोग हैं, मतलब गाड़ी की पार्किंग है पूरी आगे तक, लेकिन स्कूटी लगा दी ऐसे। सबसे बढ़िया है स्कूटी हटाओ और मेरी गाड़ी लगा दो। अभी आशु के साथ हम लोग इनका दूसरा वाला घर जो मैंने बताया था ना थोड़ी देर, मतलब इस व्लॉग में बताया था पहले, तो वही घर देखने जा रहे हैं। दिल्ली का लड़का, दिल्ली दी ड्राइविंग, दिल्ली दी रोड, पीछे मम्मी भी है। आई एम सॉरी बट रात हो गई है, तो अभी हम आशु के घर पे आ गए हैं, दूसरे वाले घर पे जो अभी इन्होंने नया बनवाया है, पूरा कस्टमाइज कराया है। आशु की वन पीस वाली टी शर्ट पहुंच गए फाइनली थर्ड फ्लोर पे है, और हमने उठा लिया था सचिन को उसके पीजी से। हाँ, तो आज ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, तो इसको उठा लिया था, ये अपने पीजी से आ गया था हमारे साथ, तो सोचा इसको थोड़ी दिल्ली का राउंड दिलवा देते, बेचारा पढ़ पढ़ के बोर हो गया था। एक छोटा दिल्ली का नाइट आउट होता है ना वो भाई वाला, तो वही जैसे इसको करा रहे हैं। चलिए देखते हैं अंदर का क्या सिस्टम है भाई। ये आपका पूरा मेन डोर आ गया, फिर यहाँ पे पूरा एकदम बाथरूम आ गया आपका, फिर आगे की तरफ चलेंगे, फिर आपका एक ये कमरा हो गया आयुष का, ये दीदी का, ये इनका मेन बेडरूम और मंदिर, और ये ज़्यादा सुंदर है, कितना मस्त बनाया भाई भाई, पैसा वसूल आइटम। और बाहर की तरफ ये पूरी ओपन किचन है। तो बाथरूम का दिखा दिया, मेन डोर ये रहा। आप सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आयुष के कमरे की, आशु के कमरे की। तो जैसे मैंने बोला था, आशु ने पूरा एकदम अपना पूरा कमरा डेकोरेट कर रखा अपने हिसाब से, और ये आयुष की जो कहते हैं ना प्रैक्टिस टाइप ड्राइंग्स हैं, ये आज तक इसका बेचारे का कंप्लीट नहीं हो पाया। और सबसे बढ़िया लगी मुझे ये टी शर्ट, आशु को गिफ्ट करी गई है, ये पूरा निटिंग करी है रैन गोकू की। गर्मी है अभी, ऑन नहीं करा पंखा, लेकिन हाँ मैं बताऊँ इसने पूरा एकदम अपने लिए सेटअप करा है। और बताए जितनी शाफ्ट रखी है ना इसमें पूरी मांगाज भरेगा डेमन स्लेयर की, भाई डेमन स्लेयर का बहुत बड़ा फैन है। तो अभी आशु का रूम हो गया, अब दीदी वाला रूम दिखाते हैं, जो अभी दीदी का भी यू नो उनको टाइम नहीं मिलता तो उन्होंने अभी कस्टमाइज नहीं करा, लेकिन काफी कुछ कर रहा है। तो ये दीदी का कमरा है, ये दीदी की जितनी मेमोरीज हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ये हो गया, मिरर हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा वर्ल्ड मैप। दीदी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बस यार जल्दी सक्सेसफुल हो जाए ना तो बस फिर तो हम भी वर्ल्ड टूर करेंगे। फिर ये आशु का, ये दीदी का, और फिर ये आता है इनका मेन, जहाँ पे मंदिर भी है और बाहर की बालकनी है, और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे ना, ये पूरे डबल साइज वाले वो पड़े हुए हैं गद्दे, और ये पूरा मंदिर मौसी जी ने पूरा अपने लिए वो करवाया, कितना मस्त लग रहा है। हमारी माता रानी विराजमान है, खूब बढ़िया, देखो यार गाइस कितना मस्त, ऊपर क्या गजब डेकोरेशन करवाई है। और फिर ये आपके रूम के बाहर आ जाती है बालकनी, ये पूरी बालकनी आ जाएगी, और हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं। और आज भाई चांद की खूबसूरती आज अलग ही लेवल पे है, कैमरे में नहीं दिखेगी, आंखों से देखोगे तो बहुत मस्त है। ये सबसे बढ़िया चीज लगी यार मुझे, ये पूरा टच वाला वो मिरर है और तीन टाइप की लाइट्स हैं। मौसी जी सच बताऊं आई एम इम्प्रेस्ड विद योर दिस पर्सनलाइज्ड होम, बहुत ज्यादा सुंदर है, अपनी पूरी कम्युनिटी में ऐसा घर है ही नहीं किसी का। लेकिन हाँ मैं आइडियाज चुरा रहा हूँ, अपना भी घर बनवाऊंगा तो आइडियाज चुरा चुरा के। और अभी जैसे इसका ये रूम हो गया, फिर यहाँ पे पूरा इसकी छत आ जाएगी, अच्छा तो मतलब छत भी तुम्हारे, छत मतलब तुम्हारे अंडर में है ना, इसका भी पेमेंट दे रखा है। इस टेरेस पे आ जाएंगे तो यहाँ भी एक बाथरूम मिल जाएगा, और फिर पूरा क्या कहते हैं पूरी ये छत आ जाएगी, जितनी भी है सब इनकी अंडर में ही है, ये पूरी छत, ये पूरी जितनी भी टेरेस है ये, और नीचे वाला जो इनका पूरा घर है। सचिन कैसा लगा घर? ऑसम है सच्ची में, मतलब ऐसा है अगर एक बार आके देखो ना दिल आ जाएगा। आशु फिर से अपने एक चीज की अनबॉक्सिंग कर रहा है, भाई का मत भी पूछो यार, मस्त एकदम चीजें करता है। ये क्या है? अच्छा, ओ, जो थी। अच्छा ये अलमीरा है, नाइस। अरे वाह भाई वाह, और का लगा दिया था नहीं मस्त लग रही है पूरी, छोटी अलमीरा टाइप है, मस्त है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, हाँ उस घर से हम लोग निकल आए थे, पुराने वाले घर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना सचिन को छोड़ना है उसके पीजी में और फिर घर जाएंगे। आज बेटा मस्ती नहीं, संभाल के घर पहुंचने, बेटा संभाल के चलाओ लला। ये गया पार्किंग करने के लिए गाड़ियों की, यहाँ पे पार्किंग प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि ये चलता रोड है, और जो गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं कुछ ऐसे टाइप में पार्क हो जाती हैं। गाड़ी बेचारा पार्क ही कर रहा था, मौसी जी ने बोल दिया कि चलो दीदी से मिलने चलते हैं, और वैसे भी आज हमारा सुबह ही जाने का प्लान था लेकिन इनने रोक लिया हमें। चलो भाई चलते हैं दीदी से मिलते हैं, अपने बाबा येगा से मिलते हैं। चलिए 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 चलिए,
बेटी जी से मिल लेते हैं। और बाबा जी का सब ठीक, सब सुख शांति। ले बहन मैं प्यार से लेके आया हूँ, एक्सेप्ट कर ले। चाहे ना लेके आया, चाहे लेके आता तो सोचता मैं, लेके नहीं आया। लेकिन ले 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 मेरा बच्चा, मेरा क्यों छा छू, मेरा बाबू, मेरा छोना। बाय, मिलता हूँ कभी महीने भर बाद। ये कैसे प्यों कर रही है? मौसी की 25th ऑफ एनिवर्सरी हुई थी, तो उसकी क्लिप्स एंड वीडियोस एंड फलाना निमकाना सब देख रहे हैं। 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ओहो, आए हाय हाय, ओ बेटे, ओ बेटे, ओ गजब, शाबाश। ओहो मसा जी, ओहो दुल्हन दी एंट्री, ओहो ओहो मम्मी भी एकदम मजे उड़ा रही हैं, शाबाश। गाइस ये स्मार्ट सा लड़का देख रहे हो? हाँ हाँ भाई साहब, मम्मी ने जो उस वक्त, ओहो हो भाई साहब, हाँ हाँ खाओ जी खाओ, अरे खा लो, अरे नहीं, अरे खा लो ना, ला मैं खिलाती हूँ पहले, मैं चलो मैं भी खिला देता हूँ। ओह माय गॉड, मेरी उंगली काट ली। ओहो हो दो दो, दोनों बहनें एकदम मस्त तरीके से डांस। ओ बेटे, ओ भाई शाबाश पापा जी, बहुत बढ़िया। अभी एक सीन देखा हमने, और देखो 1 2 3 एंड ये करंट सा लग रहा था। ओ भाई, ओहो खाओ जी, शुक्रिया जी। हाँ हाँ भाई, हाँ खाना बड़ा मस्त है। क्या हुआ? नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा रहे बेटा। मम्मी दादी, दादी यहीं पे है, दादी यहीं पे बेटा, दादी यहीं पे है। बॉय मौसी चल बाय। हाँ और हम लोग मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। पापा मम्मी को लेके चले गए, सामान था तो स्कूटी से आए थे पापा लेने के लिए। और मैं पैदल जा रहा हूँ घर तक, बहुत पास में है घर, पता है बहुत ज्यादा पास में है, रेलवे स्टेशन से बहुत पास है। हाँ मैंने इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं करी थी घर जाके, तो बस इतना ही था। खैर दिल्ली वाला व्लॉग ख़त्म होता है, और अब आने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट व्लॉग, जो कि थी प्लेलिस्ट मेरी आरपी भैया की शादी। तो अब उसी से रिलेटेड व्लॉग्स आएंगे, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग प्रेडेटर के व्लॉग्स। और इस वीडियो को इतना देख लिया तो लाइक और कमेंट करते हुए जाना प्लीज़।